तो भैया गूगल ने नया मोबाइल अपने मार्केट में लाने की सोच ली है, गूगल पिक्सल 6 प्रो, यानी कि पिछले वाले से भी प्रो प्रो प्रो। तो इसका डिस्प्ले है 6.7 इंच, जो कि है एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें दिया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यानी कि स्क्रीन आपका चकाचक चलने वाला है, कुछ नहीं, प्रोसेसिंग फास्ट होने वाला है। मजबूती में तो एल्युमिनियम फ्रेम का बॉडी इसमें दिया है, और स्क्रीन की मजबूती कुरीला ग्लास से बना हुआ स्क्रीन है। एंड्रॉयड इसमें अपना लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड गूगल ने प्रोवाइड किया है, एंड्रॉयड 12 प्रोसेसर इसमें दिया है। गूगल ने अपना पहला प्रोसेसर गूगल टेंसर, यानी कि टेंशन की कोई बात नहीं, गूगल का अपना प्रोसेसर है। तो GPU इसमें दिया है माली का G78। ये तो उधार ले लिया गूगल ने, कोई बड़ी बात नहीं, चलता है, आगे गूगल बहुत कुछ कर सकता है। मेन कैमरा इसमें दिया है 50 मेगापिक्सल का, जो कि है वाइड एंगल, और उसमें सेकंड कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो के लिए है, और थर्ड कैमरा जो कि है 12 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और इन सभी कैमरों से हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा इसमें दिया है 12 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और इससे भी हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट इसमें दिया है अंडर डिस्प्ले, यानी कि फिंगरप्रिंट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिंगरप्रिंट है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो रैम इसमें दिया है 12 GB रैम, और स्टोरेज सबका दाम के हिसाब से बढ़ाया गया है, जैसा प्राइस वैसा स्टोरेज। तो 12 GB रैम के साथ आपको 128 GB का स्टोरेज भी मिलेगा, 256 का भी मिलेगा, और 512 का भी मिलेगा स्टोरेज। बैटरी इसमें दिया है 5000 mAh, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। कंपनी के द्वारा कहा गया है कि 50% चार्ज होने में 30 मिनट का टाइम लगेगा, और इसमें एक और नया चीज़ है कि इसमें वायरलेस चार्जर दिया है, जो कि 23 वाट का चार्ज सपोर्ट करेगा। प्राइस इसका लगभग ना होने वाला भी है, तो 70,000 से ऊपर होने वाला है। लॉन्चिंग इसका इंडिया में 28 अक्टूबर के बाद ही होगा। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और नए अपडेट के लिए बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।